हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल होने वाला है भाई। ये वीडियो नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। एक बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में छप जाएगा, एक माइंड मैप छप जाएगा कि किस तरीके से एक जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है ये काम कैसे करता है। फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सिर्फ मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ अगले मिनटों तक, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, अपना जो फोकस है यहां पे इस बोर्ड पे गड़ाए रखिए, मेरे बातों को सुनते और समझते रहिए। काम बाकी का मैं कर दूंगा, जो कि बहुत आसान काम कर दूंगा आपके लिए। तो बेसिकली इससे ठीक पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में, इन टर्म्स ऑफ पेजिंग कॉन्सेप्ट, कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है। सिंपली जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके, अभी लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये काम जो है, ये बेसिक काम एमएमयू यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है। तो ये काम करने के लिए, फॉर कन्वर्टिंग लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, ये काम करने के लिए एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट किसको यूज करता है, which structure MMU is using? तो MMU is using the structure called as a page table. तो page table ही वो structure है जिसके through, जिसका use करके जो MMU है, एक तरीके से आपको जो logical address CPU generated होता है उसको physical address में convert करने में मदद करता है, एक मददगार साबित होता है। ठीक है, अब ये इसके बारे में मैं और detail में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले ये basic चीज जो मैंने की हुई है ये आपको explain कर देता हूँ। एक प्रोसेस है जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा है जिसका नाम है P1, ठीक है, और इस प्रोसेस को मैंने पेजेस में डिवाइड कर दिया है। टोटल 7 पेजेस हैं और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो मेन मेमोरी है, इसको मैंने कुल 21 फ्रेम्स में डिवाइड अप कर दिया है। लेकिन जो शुरुआत के 2 फ्रेम्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है तो वो यूजर यूज नहीं कर सकता, लेकिन बचे हुए जो फ्रेम्स है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेम 2, 3, 4, यहां से जो फ्रेम्स है वो यूजर लेवल के लिए, यूजर उसे यूज कर सकता है फॉर अकोमोडेटिंग देयर प्रोसेसेस इनटू द मेन मेमोरी। तो मैंने क्या किया, ये जो प्रोसेस अभी मेरी एग्जीक्यूट हो रही है उसके जो पेजेस थे वो 7 के 7 पेजेस मैंने क्या कर दिए, लोड कर दिए इनटू रिस्पेक्टिव फ्रेम्स। जैसे कि ये जो जीरोथ पेज ऑफ प्रोसेस P1 का जो है, ये मैंने सेकंड फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी में डाल दिया। जीरोथ पेज ऑफ प्रोसेस P1 ये मैंने डाल दिया इनटू द सेकंड फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी। बड़ा आसान है। उसी तरीके से जो बाकी के पेजेस है वो रिस्पेक्टिवली मैंने फ्रेम्स में डाल दिए। प्रोसेस वन का जीरो पेज इज बीइंग पुट अप इनटू द सेकंड मेमोरी। उसी तरीके से जो रिस्पेक्टिव बाकी के जो पेजेस है प्रोसेस वन के, वो मैंने फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी में डाल दिए। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग पेज टेबल की तरफ। व्हाट डू वी मीन बाय पेज टेबल? रिमेंबर, हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल होना जरूरी है। कोई भी प्रोसेस, यहाँ पे P1 दिख रहा है तो ये जो पेज टेबल है ये रिस्पेक्टिवली किसका है, ये P1 का है। अगर और भी कोई प्रोसेस होती है जैसे कि P2, P3, P4, P5, P6, P7, उन सभी के लिए इंडिविजुअल पेज टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने P1 कंसिडर किया है प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, तो भाई उसका पेज टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हेल्प से ही तो भाई ये सब कुछ जो फिजिकल एड्रेस है वगैरह जनरेट हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या, व्हाट दिस पेज टेबल जस्ट कंसिस्ट ऑफ, पेज टेबल में होती है पेज टेबल एंट्रीज। मतलब आप ये जो हर एक ब्लॉक देख पा रहे हो ना, ये जो हर एक ब्लॉक आप देख रहे हो, हर एक पार्ट देख रहे हो पेज टेबल का, इट इज कॉल्ड एज अ पेज टेबल एंट्री। ठीक है भाई, पेज टेबल एंट्री तो समझ में आ गया, लेकिन इस पेज टेबल एंट्री में क्या होता है, तो समझो जितने आपके पेजेस होंगे प्रोसेस में उतनी ही रिस्पेक्टिव पेज एंट्रीज होंगी आपकी पेज टेबल में। बड़ा आसान सा सेंटेंस, क्या बोला मैंने कि अगर यहां पे 7 पेजेस हैं ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस P1, तो उतने ही 7 पेजेस नहीं कहूंगा मैं, उतनी ही सात पेज टेबल एंट्रीज आपके पेज टेबल में होंगे। जिसका मतलब कि ये जो आपको इंडेक्सेस दिख रहे, दीज आर नथिंग बट पेज नंबर्स। मतलब पेज नंबर 0 की जो एंट्री होगी वो इस ब्लॉक में होगी या फिर इस एंट्री में होगी, बराबर है कि नहीं? तो पेज नंबर 0 की एंट्री यहाँ पे, पेज नंबर 1 की एंट्री यहाँ पे, पेज नंबर 2 की एंट्री यहाँ पे, पेज नंबर 3 की एंट्री यहाँ पे। एंट्री मतलब क्या, सिंपली एक पेज से रिलेटेड जो उसकी डिटेल्स हैं वो उस पेज टेबल एंट्री में होगी। मतलब जीरो पेज की जितनी भी डिटेल है आपको इस पेज टेबल एंट्री में देखने को मिलेगी। फर्स्ट पेज की जितनी भी डिटेल्स हैं, इस फर्स्ट पेज की जितनी भी आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी उस रिलेटेड पेज से, वो उसकी रिस्पेक्टिव पेज टेबल एंट्री में आपको देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो जितने पेजेस प्रोसेस में उतनी पेज टेबल एंट्रीज आपकी पेज टेबल में। सिंपल सी बात है। ओके, तो कई सारी इंफॉर्मेशन होती होगी एक पेज से रिलेटेड इनटू द पेज टेबल एंट्री, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एक पेज टेबल एंट्री में रिलेटेड विद अ पेज इज द फ्रेम नंबर। मतलब एक तरीके से, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं लेता हूं, दैट इज द पेज नंबर 0th,
पेज जीरो पेज लेता हूं ऑफ द प्रोसेस पी वन, तो उसकी एक पर्टिकुलर एंट्री होगी जीरो पेज की इनटू द पेज टेबल पेज टेबल ऑफ द पी वन। तो वो जो एंट्री है पेज टेबल एंट्री, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रेम टू लिखा हुआ है। ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम टू? ये फ्रेम टू का मतलब ये है कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो जीरो पेज है ऑफ पी वन, इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन टू द फ्रेम टू। It is actually located into the frame 2. बड़ा आसान सा meaning है, बराबर। तो ये page P1 का कहाँ पे located है? Into the main memory. किस frame में located है? Of the main memory. तो वो बताता है कि भाई frame 2 में आप जाके ढूंढो, वहाँ पे आपको zeroth page of process P1 आराम से मिल जाएगा। उसी तरीके से सारे के सारे pages जो आपने frames में यहाँ पे load किए इस main memory में, वो किस frame में load किए हैं? Of the main memory. वो details आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब जीरो पेज जो है और प्रोसेस P1 वो फ्रेम नंबर 2 में लोडेड है, जो 1 मतलब इसके बाद वाला जो पेज है वो फ्रेम नंबर 3 में लोडेड है, फिर फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, फ्रेम नंबर 6। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बताता है कि आपका जो रिस्पेक्टिव पेज है वो किस फ्रेम में लोडेड है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको पेज टेबल में मिल जाएगी, एंड हर एक प्रोसेस का अपना अपना पेज टेबल होता है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू पेज टेबल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा पेज टेबल आपको दिख रहा है ना, ये भी आप लोड करते हो इनटू मेन मेमोरी इन वन ऑफ द फ्रेम्स, इनटू द मेन मेमोरी इन वन ऑफ द फ्रेम्स। आपकी ये जो पेज टेबल की जो साइज है, इट शुड बी समवॉट कॉम्पिटिबल विद दैट ऑफ द फ्रेम साइज। अगर मैं कहता हूं कि मेरी फ्रेम साइज जो है, एक फ्रेम की जो साइज है इन द मेन मेमोरी, वो है 4KB, तो आपका जो पेज टेबल है वो भी आसपास कहीं तो 4KB के यहाँ पे होना चाहिए, फिर 4KB से अगर लेस भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 4KB में बैठना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका ये पेज टेबल है ये एक फ्रेम में बैठने वाला है, और जो कि बैठा भी है किस फ्रेम में, फ्रेम नंबर 10 में, पेज टेबल ऑफ P1 इज बीइंग रेस्टिंग हेयर, वो यहाँ पे अकोमोडेटेड है। प्रोसेस P1 का पेज टेबल फ्रेम नंबर 10 में ऑफ द मेन मेमोरी लोकेटेड है। तो ये पूरा का पूरा जो आपने पेज टेबल है ये आपने डाल दिया फ्रेम नंबर 10 में ऑफ द मेन मेमोरी। अब समझ में आया कि क्या हो रहा है, कि पेज टेबल क्या होता है, पेज टेबल कहां पे लोकेटेड होता है, पेज टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू विच पेजेस। तो सारे फीचर मैंने पेज टेबल के बता दिए। ओके, अब आते हैं एक्चुअल वर्किंग के ऊपर। ठीक है, अब एक्चुअल वर्किंग के ऊपर आते हैं कि होता क्या पेजिंग में। ठीक है, तो बेसिकली सीपीयू आपकी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको क्या लगता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एंड इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करता है तो उसे क्या करना पड़ता है, पेजेस को रिट्राइव करना पड़ता है, पेजेस को रेफर करना पड़ता है बार बार, जो पेजेस मेरे मेन मेमोरी में allocated है, जो मेरे जो पेजेस हैं वो मैंने मेन मेमोरी में डाल दिए। ठीक है, अब होता क्या है, सीपीयू मेरा जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस में दो फील्ड्स होती हैं, आप सबको पता है, एक होता है पेज नंबर जो कि है 2। तो ये क्या बोल रहा है, सीपीयू बोल रहा है कि मुझे एग्जीक्यूशन के लिए अभी पेज नंबर 2 चाहिए, और ये सीपीयू कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, P1। तो इसका मतलब सीपीयू को प्रोसेस P1 का पेज नंबर 2 अभी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू को प्रोसेस P1 का पेज नंबर जो 2 है, पेज नंबर इक्वल टू 2 जो है वो उसको चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन। और पेज नंबर 2 ही नहीं, पेज नंबर 2 के अंदर की जो थर्ड बाइट है, थर्ड बाइट दिस इज नथिंग बट द ऑफसेट, थर्ड बाइट जो यहाँ पे रेफर किया, इट इज नथिंग बट ऑफसेट। ये वर्ड भी हो सकता है, फोर्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड, यहाँ पे मैंने थर्ड बाइट सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है, दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट, दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया पेज नंबर कौन सा चाहिए सीपीयू को। अभी इस लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी, पेज टेबल की। लेकिन भाई हमें पता नहीं पेज टेबल कहां पे है, बराबर, इनिशियली सीपीयू को पता नहीं पेज टेबल कहां पे है, लेकिन फिर किस बंदे को पता होगा पेज टेबल कहां पे है, वो किस फ्रेम में लोडेड है, ये किसे पता है पेज टेबल, तो वो पता होता है इस भाई साहब को, इट इज कॉल्ड एज अ पेज टेबल बेस रजिस्टर। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर के अंदर जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है P1, तो इस P1 से रिलेटेड जो पेज टेबल है वो किस फ्रेम में लोडेड है, वो इंफॉर्मेशन इन भाई साहब को पता होती है, पेज टेबल बेस रजिस्टर। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर कंटेंट क्या होता है, इसका कंटेंट भी एक फ्रेम नंबर ही होता है, इसका कंटेंट भी एक फ्रेम नंबर होता है। यहां पे लिखा हुआ है फ्रेम नंबर 10, इसका मतलब क्या कि भाई आप फ्रेम नंबर 10 में जाओ, फ्रेम नंबर 10 में आपको प्रोसेस P1 का पेज टेबल मिल जाएगा, फ्रेम नंबर 10 में आपको प्रोसेस P1 का पेज टेबल मिल जाएगा, और ये रहा वो प्रोसेस P1 का पेज टेबल। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रेम है इसके अंदर जो पेज टेबल है इसका जूम्ड वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा वो। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, इसने बता दिया कि भैया पेज टेबल का बेस एड्रेस क्या है, बराबर, इट इज नथिंग बट द फ्रेम नंबर। ओके, तो ये जाएगा फ्रेम नंबर यहाँ पे जो कि बोल रहा है फ्रेम नंबर 10, और यहां से मैं लूंगा पेज नंबर 2, समझ में आया। तो जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है यहां से मैं ये एरो, ठीक है, this one would be the arrow, ठीक है, तो यहां से CPU ने जो logical address generate किया है, उसमें से मैं लूंगा page number 2,
और यहां से लूंगा फ्रेम नंबर 10 और इन दोनों को मैं ऐड करके कुछ एक नई इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो ऐड कैसे किया मैंने, सिंपली फ्रेम नंबर 10 मैंने जब लिया तो इसको जूम करके आप यहां पे देखो, ठीक है। तो मैं कहां पहुंच गया, सिंपली यहां पे बेस पे पहुंच गया बराबर, क्योंकि ये पेज टेबल बेस रजिस्टर है तो मैं यहां पे बेस पे पहुंच गया, ठीक है। That is the frame number 10 और यहाँ पे मैं base पे हूँ। तो यहाँ तक तो इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है और at the start of the page table पहुँचाने में page table base register ने मेरी मदद की है, लेकिन आगे की मदद मुझे page number equal to 2 जो information CPU ने मुझे दी है वो करने वाली है। तो मैं उसमें क्या ऐड करूँगा, 2 ऐड करूँगा। That is मुझे page number 2 तक पहुँचना है। तो ये मेरा जो pointer है वो नीचे move होगा 0 से 1, 1 से 2 और जैसे ही मुझे पता चलता है कि 2 और इसी की डिमांड है actually with the CPU, CPU को भी इसकी तलाश है, page number 2 की तलाश है, तो वो यहाँ पे 2 पे रुक जाएगा, यानी कि पेज टेबल में जो पेज नंबर 2 की एंट्री है अभी वो उसे चेक करेगा। पेज टेबल में ऑफ द प्रोसेस P1 उसकी जो कौन सी है, पेज टेबल ऑफ पेज 2, सॉरी मैं ये कहूंगा कि जो पेज 2 है of this process P1 उसकी एंट्री में जाएगा वो, that is पेज टेबल एंट्री में जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रेम नंबर 4 क्या है, ये सिंपली इंफॉर्मेशन ये बताती है कि ये जो प्रोसेस है P1 इसका जो पेज 2 है वो फ्रेम 4 में लोड किया गया है। भाई वो फ्रेम 4 में लोड किया गया है ये वहां पे बताया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने दिया फ्रेम नंबर 10, जैसे ही फ्रेम नंबर 10 दिया मैं बेस पे आ गया और फिर मैंने यूज किया पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 मतलब मैं सीधा सीधा वो पेज काउंट करता गया, पेज नंबर 0 नहीं ये नहीं चाहिए, पेज नंबर 1 ये नहीं चाहिए, पेज नंबर 2 हां ये चाहिए। तो पेज नंबर 2 जैसे ही मुझे पता चला कि ये चाहिए तो उसकी रिस्पेक्टिव पेज नंबर 2 की एंट्री इन द पेज टेबल इज नथिंग बट फ्रेम 4। तो अभी इस फ्रेम 4 को मैं यहां से निकालूंगा और यहां पे डालूंगा एक फील्ड में। तो यहां से मैंने फ्रेम 4 को निकाला और यहां पे एक फील्ड में डाल दिया, ठीक है। और यहां पे फ्रेम नंबर 4 तो हो गया एक फील्ड, अब दूसरी फील्ड कहां से आएगी, ये थर्ड बाइट दैट इज ऑफसेट, तो ये ऑफसेट आएगी यहां पे। तो ये जो मेरा तैयार होगा दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस में दो फील्ड होती है, एक में होता है फ्रेम नंबर, तो वो फ्रेम नंबर मैंने कहां से निकाला, फ्रेम नंबर निकाला फ्रॉम द पेज टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, वहां से मैंने फ्रेम नंबर निकाला बराबर। तो यहां से मैंने फ्रेम नंबर निकाला, इसमें लोड किया और ये जो ऑफसेट होता है ये सेम होता है, चाहे आप लॉजिकल एड्रेस कहो या फिर फिजिकल एड्रेस कहो उसमें ऑफसेट सेम रहता है। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि मैंने इस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया। अब आगे क्या होगा, सिंपली मैं जाऊंगा फ्रेम नंबर 4 में, मैं कहां जाऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल एड्रेस, मैं जाऊंगा फ्रेम नंबर 4 में, ओके। फ्रेम नंबर 4 में पहुंच गया, फ्रेम नंबर 4 में क्या है, प्रोसेस 1 का जो ये प्रोसेस 1 है उसका पेज नंबर 2 मुझे वहां पे दिख रहा है। अब उस पेज के अंदर मुझे कौन सी बाइट चाहिए, मुझे यहां पे कितनी बाइट होंगी, यहां पे 1, 2, 3, तो मुझे यहां पे थर्ड बाइट में इंटरेस्ट है, 1 बाइट होगी, 2 बाइट होगी, 3 थर्ड बाइट होगी, तो मैं सिर्फ थर्ड बाइट में इंटरेस्टेड हूं विच इज नथिंग बट द ऑफसेट, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, उस फ्रेम में गया, फ्रेम में मुझे पेज मिला, पेज के अंदर मुझे थर्ड बाइट चाहिए दैट इज नथिंग बट द ऑफसेट ऑफ द पेज, और वो मैंने उठाया वहां से और वो ऑफसेट ही मेरी रिक्वायरमेंट था ऑफ द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। तो अभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि किस तरीके से भाई पेज टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है, पेज टेबल में क्या क्या होता है, जितने भैया प्रोसेस के पेजेस होते हैं उतने पेज टेबल एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से आपका पेज टेबल बेस रजिस्टर काम में आता है, क्या उसमें स्टोर रहता है, कि आपका जो पेज टेबल वो भी एक मेन मेमोरी के फ्रेम में स्टोर रहता है, किस तरीके से लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, पूरी तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दोस्तों एक्सप्लेन कर दिया, आसान से आसान भाषा में जितना मैं कर सकता था इसको ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, तो कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के लिए खुला ही, आप वहां पे जाइए, वहां पे पूछिए और आप के सवालों के जवाब देने के लिए मैं वहां पे हूं ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इस वीडियो के थ्रू आपकी नॉलेज में थोड़ी सी वृद्धि हुई होगी और यहां पे इस वीडियो के थ्रू अगर मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दी होगी तो उस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।